इतने लोग केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रेड ओनली मैथ क्या बराबर कितना, और दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली फिजिक्स बराबर ही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली केमिस्ट्री कितना हुआ 13 जी बोलिए जी जैसे निकल गया। चौथा एक और सवाल दिया है कि इतने विद्यार्थी इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कहा जाए कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी भाग लिए और इतना लोग पास कर गया, फिर क्या संख्या बताए, तो टोटल विद्यार्थी में से पास वाला हटा देंगे, कोई ये को मालूम रहा ना, तो ये सब ये क्या है, एक विषय पढ़ना या केवल फिजिक्स पढ़ा या केवल केमिस्ट्री या दू को विषय पढ़ा मैथ या भी दू को विषय पढ़ा या भी दू को और इसमें जितने सिखाई दे रहे वो पढ़ने वाले ना, कम से कम एक विषय तो सब लोग पढ़ रहे हैं, जैसे या ये को विषय मैथ पढ़ा ना, तो हम क्या करेंगे टोटल विद्यार्थी में से इस पढ़ने वाले का संख्या घटा देंगे, तो नहीं पढ़ने वाले का नहीं क्या, कितने लोग कोई विषय नहीं पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्या हुआ विद्यार्थियों की वो जो नहीं पढ़ते हैं डू नॉट रीड एनी सब्जेक्ट एनी और क्या हुआ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, कितना टोटल था 150 माइनस पढ़ने वाले, तब एक विषय पहले पढ़ने वाले का लिख देते ए जोड़ जी जोड़ एक विषय वाले हो क्या, दो विषय पढ़ने वाले डी प्लस ई प्लस और तीन विषय पढ़ने वाले, यही ना है जी, इसमें जो भी सिखाई दे रहा है वो क्या है पढ़ने वाला, चाहे वो एक विषय पढ़े चाहे दो चाहे, अब जब एक विषय से